फैक्टराइज 4x स्क्वायर कैसे किया जाए भाई, 4x स्क्वायर इस पे इधर करते हैं, 4x स्क्वायर है और प्लस 9y स्क्वायर है उससे स्ट्राइक कर रहा है, प्लस 16z स्क्वायर ये तो क्रिएट हो गया, प्लस 12xy है और माइनस 24yz है और माइनस 16xz। तो ध्यान से देखिए ये मेरे पास कितना आ रहा है, ये मेरे पास 12xy आ रहा है। तो ये 2ab होता है, 2ab होता है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab ये क्रिएट हो जाएगा, तो 2x का होल स्क्वायर और 3y का होल स्क्वायर और क्या आएगा प्लस 12xy, सही है। और ये माइनस कितना आ रहा है, माइनस कितना आ रहा है, माइनस 24yz आ रहा है, तो 4 प्लस 64z का होल स्क्वायर, तो माइनस 24yz। अब इसके बाद क्या आएगा, माइनस का आएगा 4 16 8 16 माइनस 16xz आएगा, तो ये तो सिंपल आ गया भाई, ये तो 2x प्लस 3y फॉर्मूला लिखा है माइनस 4z, इसके इस टाइप के दो फैक्टर आ जाएंगे रिपीटेड होल स्क्वायर, इसको होल स्क्वायर करेंगे और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस, जैसे दूसरा वाला मैं नहीं करूँगा, आपको अपने आप करना है, रिजल्ट बताता हूँ। ए प्लस बी प्लस सी इसका अगर होल स्क्वायर ये आपको याद है कि ये कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, तो ये डायरेक्टली ही रिपीटेड टाइप का फैक्टर बन रहा है। इसका अगर ये रिजल्ट ध्यान है तो मुझे लगता है इसके एक्सप्लेनेशन में कोई भी दिक्कत नहीं है, सेकंड आपको अपने आप ही करना है सेम, ओके। ये ध्यान भी रखना चाहिए अगर नहीं याद है तो, और बी का साइन यहाँ चेंज हुआ तो यहाँ भी चेंज कर देंगे, कोई भी दिक्कत नहीं, ओके।